all of you. Where is Shreya? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसे हो आप सब? So let's start our class. Today's topic is multiplication of integers. उसके ऊपर हम कुछ questions करेंगे. Multiplication of integers. Okay? Let हमारे पास कोई दो integers है a and b. मान लीजिए a और b is a variable जिसकी value कुछ भी हो सकती है, any number. तो हमने कोई भी दो number ले लिए, let 2 and 3. ठीक है, 2 and 3, there are two numbers. उन दोनों का multiply क्या होगा? 6. दो इंटीजर्स हमने ले लिए, दोनों इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा, उनकी जो वैल्यू आएगी, वो भी एक इंटीजर होगी. सेम एज जैसे हमने कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, जब किन्हीं दो इंटीजर्स को जोड़ा जाए या उनका ऐड किया जाए या उनका सब्ट्रैक्शन किया जाए, तो हमें जो वैल्यू गेट होती है या हमें जो भी आंसर मिलता है, वो एक इंटीजर होता है. द सेम थिंग इन मल्टीप्लीकेशन, जब भी आप किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या फिर दो से ज़्यादा नंबर, ठीक है, मैं आज स्टार्टिंग दो नंबर से कर रही हूँ, जब भी आप किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो उनकी जो वैल्यू आती है, वो भी क्या होती है? एक इंटीजर होती है. अब ये दो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ये दोनों पॉजिटिव थी, ठीक है, दूसरा पहला केस में दोनों पॉजिटिव, दूसरे केस में एक ले लीजिए नेगेटिव, दूसरा ले लीजिए पॉजिटिव. फर्स्ट केस में दोनों इंटीजर पॉजिटिव, तो वैल्यू भी क्या आ गई? पॉजिटिव. सेकंड केस में एक वैल्यू नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा -6. इन मल्टीप्लीकेशन में जब भी माइनस इंटू प्लस, एक इंटीजर नेगेटिव लेते हो, एक इंटीजर पॉजिटिव लेते हो, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है या उनकी मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू आती है, वो क्या आती है? एक नेगेटिव वैल्यू आती है. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई, द वैल्यू विल यू गेट, वो क्या होगी? एक नेगेटिव इंटीजर होगी. थर्ड केस, दोनों क्या हो? नेगेटिव हो. फर्स्ट में पॉजिटिव दोनों, सेकंड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, थर्ड केस में दोनों क्या हो? नेगेटिव हो. तो इस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी? एक पॉजिटिव वैल्यू आती है. ठीक है, ये चीज़ आपको मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखनी है कि जब दोनों इंटीजर, दोनों नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटीजर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी, वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके, गुड. अब हम इन केस ऑफ, देखो नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा. लेकिन अगर मैं नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स की वैल्यू बढ़ाऊं, जैसे कि -2 into -3 into -4 into -6 और एक ले लूं इंटू माइनस, क्लियर नहीं दिख रहा
माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर। अब मैं तीन इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तीन इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तीनों क्या है, नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा, देखो मैंने बताया था माइनस माइनस, दो पहले पेयर बना दो, आपको क्या करना है, नहीं दिख रहा मैम, क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, जस्ट गिव मी वन मिनट। अब नाउ क्लियर है, नाउ अब अभी भी नहीं दिख रहा, नो मैम, नो मैम। Now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब हमें क्या करना है, हम तीन इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थ्री इंटीजर्स, ठीक है, थ्री इंटीजर्स ले लिए, उसमें से मैंने तीनों क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए, ऑल थ्री आर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपको पेयर बनाने दो दो के, जब दो का मल्टीप्लाई हो तो आपको आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब आप दो से ज्यादा इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं देन आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने। जैसे कि ये तीन थे तो मैंने एक पेयर बना दिया, एक सिंगल छूट गया, ठीक है, तीन थे मैंने एक का पेयर बना दिया, पेयर मतलब दो 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 जोड़ा, मतलब एक पेयर का मतलब दो नंबर एक साथ में, ऐसे समझो, और एक अलग रह गया, ठीक है। अब क्या करोगे, टू इंटू थ्री, ये क्या हो जाएगा, सिक्स, अभी बताया था मैंने दोनों नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, इंटू माइनस फोर, क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर, यस श्रेया पावन, इज दैट क्लियर, ये हो गए थ्री इंटीजर्स। अब मैं अगर फोर इंटीजर्स लूं, ठीक है, अब मैं फोर इंटीजर्स ले लूं, कंडीशन पेयर बना लो दो दो के, ठीक है, टू इंटू थ्री सिक्स, इंटू इस पेयर में भी फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, आंसर आ जाएगा 120। ओके, क्या हुआ इस केस में, चार इंटीजर्स, चारों के चारों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आपने दो दो का पेयर बना लिया, फर्स्ट पेयर टू इंटू थ्री दोनों माइनस के हैं तो आंसर पॉजिटिव, इंटू फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, ठीक है, अगेन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, आंसर इज 120। इज दैट क्लियर, अब हम इसके बेस पे को क्वेश्चन करेंगे, माइनस क्लियर नहीं दिख रहा है, अगेन नहीं दिख रहा है,
ओके ओके गिव मी सम टाइम। अब दिख रहा है? नो मैम। अब नाउ इट इज क्लियर? नो मैम।